फॉर्मेट हो जाता है वैल्यूम डाउन और पावर की के साथ। और ये देख सकते हैं हमारा अनलॉक हो चुका है, फारपी बाईपास हो चुकी है वन क्लिक में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बहुत इजी मेथड था, अगर फारपी बाईपास हो गई गाइस तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह एक वीडियो और, तो आज का जो वीडियो है हमारा, बता दूँ एक रियलमी का 8i मॉडल है और इस मॉडल में भी आप देख सकते हैं RMX 3151 और जो इसका एंड्रॉयड वर्जन है 11 है। तो इसमें हम दिखा देते हैं आपको, इसमें लगा हुआ है गूगल अकाउंट। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं करके कि क्या इसमें गूगल अकाउंट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है गाइस। तो नेक्स्ट करते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे स्किप का बटन नहीं आ रहा है, मतलब ओके बोल रहा है कि पहले आप इसमें वाईफाई कनेक्ट करिए और इसमें अपना गूगल अकाउंट को डालिए, तभी जा कर के ये हमारा खुलेगा। मतलब कुल मिला के इसमें FRP लगा हुआ है और FRP हम करेंगे बाईपास। ये हमारा देख सकते हैं रियलमी का 8i मॉडल है, जैसे कि मैंने RMX भी आपको दिखा दिया है, हम इसके FRP बाईपास करने वाले हैं गाइस। तो फिलहाल फटाफट आप हमारे स्मार्ट टेलीकॉम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे गाइस। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आप ये रियलमी 8i है बट ठीक है, बट आप इसको मैं बेस बता रहा हूँ एनी एंड्रॉयड रियलमी और ओप्पो एंड्रॉयड 11 आप इसको ट्राई कर सकते हैं। FRP बाईपास मैं आपके सामने सारा कुछ लाइव करने वाला हूँ यहाँ पे। तो गाइज सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे पावर क्यू को एक साथ प्रेस करिए और वाईफाई अपना कनेक्ट कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए इमरजेंसी लिखा हुआ है, तो इमरजेंसी पे आप क्लिक करिए अभी 3 डॉट, क्योंकि अभी इसमें कोई सिम नहीं लगा इसलिए इमरजेंसी कॉल नहीं होगा। तो नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, तो नीचे आपको एक SOS का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फ्लैश लाइट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई देगा SOS फ्लैश लाइट। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है गाइज, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। हमने वाईफाई कनेक्ट कर लिया है और सीधा आपको पावर की प्रेस करके रखा है, या फिर आप 3 बार पावर की को प्रेस करोगे तो भी इमरजेंसी कॉल डायल हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे चलिए हम कर लेते हैं। जैसे आप करेंगे तो कुछ परमिशंस मांगेगा, तो आपको परमिशन नहीं करना है, डिनाई कर देना है, आपको परमिशन अलाउ नहीं करना है, यहाँ पे डिनाई कर देना है, फिर से आपको करना है। ऐसे ही आपको 2 से 3 बार ये प्रोसेस करना है आपको। तो चलिए फिर से मैं SOS फ्लैश लाइट पर क्लिक करता हूँ, फिर से यहाँ पर डिनाई कर देता हूँ। अब 2 बार हमने कर दिया, ये प्रोसेस नहीं हुआ, अब एक बार और करना है आपको गाइज। तो चलिए मैं फिर से एक बार करता हूँ। तो देख जैसे हमने किया 3री बार में, यहाँ पे सेटिंग का एक ऑप्शन खुल गया गाइज। तो यहाँ पे आपको सेटिंग के ऑप्शन में चले जाना है। जैसे आप सेटिंग के ऑप्शन में चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा प्रोमिसेस, यहाँ पे दिखाई देगा गाइज। आप स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो करेंगे तभी जाके आपको क्लियर तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे चलिए, तो गाइज जैसे आप उसमें प्रोमिशन पे चले जाएंगे उसके बाद आपके यहाँ पे सर्च का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो सिंपल आपको सर्च में जाना है। सर्च में जाने के बाद आपको केवल और केवल सर्च में लिखना है रिसेट लिखना है गाइज। तो मैं यहाँ पे रिसेट लिख देता हूँ, आपको लिखना है रिसेट, यहाँ पे आपको रिसेट लिख देना है। जैसे ही आप रिसेट लिखोगे तो काफ़ी सारे रिसेट के ऑप्शंस आ जाएंगे यहाँ पे। तो आपको जो सेकंड नंबर दिखाई दे रहा है रिसेट सिस्टम सेटिंग ओनली, आपको यहाँ पे जाना है गाइस। मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद देख सकते हैं सबसे पहले सेकेंड ऑप्शन में फिर एक ऑप्शन आ रहा है रिसेट सिस्टम सेटिंग ओनली। तो सबसे पहले आपको रिसेट सिस्टम ओनली करना है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर का आ गया रिसेट सिस्टम सेटिंग ओनली, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। फिर से आपको एक ऑप्शन मांग रहा है वही रिसेट सिस्टम, तो फिर से आपको कर देना है। आप पूरा वीडियो को गाइस स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तभी जाकर के होगा। तो देख सकते हैं रिसेट सिस्टम हैज़ बीन सक्सेसफुल, यहाँ पे हो चुका है हमारा। जैसे ही आपका ये प्रोसेस हो जाए फिर उसके बाद आपको कर देना है सिंपल और सिंपल इरेज ऑल डाटा। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको कर देना है इरेज डाटा, 2 बार आपसे बोल रहा है, तो इरेज डाटा आपको यहाँ पे कर देना है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। तो अब ये फ़ोन हमारा रिबूट हो गया है, रिसेट हो गया है। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा गाइज, बहुत ही कम समय में FRP बाईपास जॉब डन हो चुका है। आई थिंक आपको अभी लास्ट तक आपको दिखाएंगे कि FRP रिमूव हुआ कि नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा रिबूटिंग में टाइम लगेगा। अगर वीडियो आपको प्लीज़ अच्छा लगेगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाइए, जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो गाइस अब इसमें लगेगा थोड़ा सा टाइम और जैसे ही रिबूट हो जाएगा तो फिर हम आपको दिखाएंगे स्क्रीन में कि इसके FRP रिमूव हुई कि नहीं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं वाइप डाटा हो रहा है, जैसे हमने वहाँ पे रिसेट किया था, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं एक वाइप डाटा का ऑप्शन ऐसे भी आपको दिखाई देगा। तो ये अब वाइप डाटा जैसे हुआ है, अब फिर से एक बार फ़ोन रिसेट होगा, रिबूट होगा, और जैसे ही फ़ोन रिबूट होगा देखिए यहाँ पे फिर से रिबूट हो चुका है। अब फाइनली जा करके देखेंगे कि इसके FRP रिमूव हुए कि नहीं गाइस। तो वीडियो के लास्ट दिन तक आप जरूर देखिएगा ये मेथड काम करेगा, तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये मेथड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो भी कमेंट कीजिएगा और कर रहा है तो भी कमेंट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। तो गाइस कम्प्लीटली फ़ोन ये ऑन हो चुका है, वही फ़ोन है जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो चलिए देखते हैं कि इसके FRP रिमूव हुई कि नहीं हुई। तो नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे फ़िलहाल करते हैं स्किप, मतलब एग्री कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं नेक्स्ट। तो ये वाईफाई पे हम आ चुके हैं, जैसे ही हमारा स्किप पे क्लिक करते थे तो नहीं होता था, अभी देखते हैं कि यहाँ पे स्किप करने पे क्या आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है गाइस।
देख सकते हैं ये जॉब डन हो चुका है 110%, ये वर्केबल है, मतलब ये काम कर रहा है। आपके सामने मैंने लाइव किया है, ऐसा कुछ भी फेक नहीं डाला है गाइज, कि जो भी आपको लगे यहाँ पे, आप स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो को फॉलो करिएगा। 110% ये काम कर रहा है गाइज, जो कि मैंने आपके सामने लाइव दिखाया हुआ है कि ये काम कर रहा है, जॉब डन कर रहा है। तो इसकी FRP आप देख सकते हैं, जॉब डन हो चुकी है। फॉर्मेट भी बहुत इजी तरीके से हो जाता है, पावर अप जिसको नहीं पता है, तो ये फ़ोन बहुत इजी तरीके से फॉर्मेट हो जाता है वैल्यूम डाउन और पावर की के साथ। और ये देख सकते हैं हमारा अनलॉक हो चुका है, FRP बाईपास हो चुकी है वन क्लिक में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बहुत ईजी मेथड था, FRP बाईपास हो गई गाइस। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।